CAA Bobek. सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूले। जळगाव मुस्लिम मंच आयोजित साखळी उपोषणाचा शनिवार हा 6वा दिवस उस्मानिया पार्क येथील तरुण व हम सब एज्युकेशन अँड वेलफेअर सोसायटी जळगाव यांच्या माध्यमाने ज्याप्रमाणे स्वातंत्र्यापूर्वी गो बँक सायमन ही घोषणा देऊन आंदोलन करण्यात आले होते, त्याच धर्तीवर आजचे हे लाक्षणिक साखळी उपोषण गो बॅक CAA NRP हे ठरले। जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर 23 डिसेंबर पासून सुरू असलेला साखळी उपोषण 6वा दिवस असल्यानं नागरिकत्व कायदा व NRC जोपर्यंत रद्द होत नाही तोपर्यंत लोकशाही मार्गाने हे साखळी उपोषण सुरू राहील। त्यानुसार आज सकाळी 11 वाजता रेहान शेख यांच्या पवित्र कुराणानं उपोषणाला सुरुवात झाली। उस्मानिया पार्क मुस्लिम मंच समन्वयक व कोर कमिटी सभासद आदींनी काळे टी शर्ट घालून त्यांच्या पाठीवर गो बॅक असे घोषवाक्य लिहिलेले टी शर्ट घातले होते। एवढेच नव्हे ते संपूर्ण उपोषण त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठ करून पूर्ण केले। इतकेच नव्हे तर जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये निवेदन देण्यासाठी सुद्धा ते सरळ न चालता उलटे चालले व त्यांनी निवेदन देण्याचा प्रयत्न केला परंतु अधिकारी वर्ग उपलब्ध नसल्यानं तो देता आला नाही। या उपोषण स्थळी मार्गदर्शन करणारे वक्ते करीम सालार, रेहान सर, शाफिक सद्दीक, वसीम शेख, मतीन शेख, मुनाफ शेख, शरीफ मौलाना, अब्दुल गुलाब शेख, अजहर शेख, MR रियाज सर, वजीम सर, वसीम सर, अब्दुल गफ्फार मलिक, अयाज अली, मीर नाजीम अली, नदीम काजी व फारूक शेख यांनी मार्गदर्शन केले। क्राईम FIR साठी चाहत सय्यद, जळगाव। खास तौर पे जिस तरीके से अंग्रेजों के जमाने में हिंदुस्तान के लोगों को आजादी की तारीख से दूर करने के लिए एक साइमन नाम के यहां पर ऑफिसर को भेजा गया और सबको मालूम है कि साइमन कमीशन जब बैठा उसके सरबरा ने हिंदुस्तान की अवाम को विश्वास में नहीं लिया, हिंदुस्तान की अवाम का उसमें शुमार नहीं किया, हमारे किसी भी नेता को उसमें शामिल नहीं किया। तो मुझे याद है आजादी के पहले हमारे मुल्क के हमारे बुजुर्गों ने, आज जिन्होंने कानून लाया इनके बुजुर्ग सायमन की चप्पल उठा रहे थे और अम्बेडकर आजाद की औलाद रस्ते पर बैठ कर ये कह रहे थे कि सायमन गो बैक। क्या कह रहे थे? सायमन आज उसी की याद में हमारे शेख साहब ने आज का ये तो आपका साखी उपोषण है उसी को मंसूब किया गया है। पहले दिन के उपोषण से कुछ ना कुछ एक चीज को मंसूब करके हमारे साखी उपोषण मंच की ओर से जारी है, जिसमें कहीं पर ट्रेड की बात की गई। सोचना चाहिए कि मुल्क के पंत प्रधान की निगाह में बगैर कपड़े वाले इंसान का भी, सूट बूट पहनने वाले का भी, पजामा कुर्ता धोती चादर पहनने वालों का भी कोई मजहब से ताल्लुक नहीं होता। अरे जिसके बदन पर कपड़े नहीं आप उसके मजहब को पहचानोगे कैसे? जिसके आंग पर पूरा कपड़ा नहीं उसके आप कैसे पहचानोगे? लेकिन आपने इशारा किया एक जिम्मेदार पोस्ट पर बैठकर कि मैं ड्रेस से पहचान लेता हूं कि ये कहां से आया है, कौन से समाज का है। बड़े धिक्कार की बात है, बहुत धिक्कार की बात है। और ये बात लोगों के दिलों में डालकर इन्हीं की पार्टी यही जनसंघ और बीजेपी और RSS के लोगों ने बंगाल के अंदर एक ट्रेन के इंजन के ऊपर रॉकेट फेंका, पेट्रोल फेंका और उनका देवता टोपी लुंगी और बनियान पुलिस ने जब पकड़ा, पुलिस क्या पकड़ेगी, उनको लोगों ने पकड़ा। और जब पुलिस के हवाले किया तो मालूम पड़ा पांचों के पांचों RSS के कार्य करते हैं। धिक्कार हो। ऐसी तरीके से देश को यह बताया जा रहा है कि सिर्फ चंद लोगों को यहां पर इसका नुकसान होगा इसलिए बाकी के लोग एक हो जाओ। लेकिन ये बात सबके समझ में आ गई कि आज जिस तरीके से इस कानून को नाफिज किया गया तो जैसे साइमन कमीशन को गो बैक कहा गया
आज हिंदुस्तान का क्या हिंदू क्या मुसलमान सब कह रहे हैं कि मोदी और तेरा कानून, मोदी जी का कानून, एनआरसी, एनआरसी, एनपीआर, सीएए। दोस्तों एनपीआर को लाने के बाद कहते हैं कि इसका एनआरसी से कोई संबंध नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के बड़े बड़े सब लोगों ने कहा कि एनपीआर ये एनआरसी का पहला स्टेप है, ये एनपीआर एनआरसी का पहला स्टेप है। इसीलिए आज हम सब मिलकर ये कह रहे हैं कि एनपीआर एनपीआर एनपीआर